अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने आज जनता दरबार लगाया। इस दौरान प्रदेश से आए लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही विज ने उनका मौके पर ही समाधान भी किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एक मरीज की शिकायत पर गृह मंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्र के सीएमओ को भी फटकार लगाई। व्यक्ति ने अस्पताल पर उसका मेडिकल न करने के आरोप लगाए थे, जिस पर गृह मंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने मौके पर ही सीएमओ को फोन कर व्यक्ति का मेडिकल करने के आदेश दिए। डॉक्टर को बुलाना, दूसरे को बुला लो, बट दिस इज नॉट गुड। आप ये दिस इज नॉट गुड। आप पेशेंट को कहो कि आप फिर आना दो दिन बाद, क्या मतलब है? आपके पास नहीं है, आप कहीं और से बुलवाओ एनेस्थीसिया के लिए। मैडम दिस इज नॉट गुड। नो हाँ करो, क्यों ना करो, किस लिए इतने बड़े अस्पताल खोल रखे हमने? ये तो कोई तरीका ना होगा ना जी। यू आर सीइंग योर कन्वीनियंस। आपको देखनी है पेशेंट की कन्वीनियंस कि पेशेंट को क्या है। पेशेंट को हम कहेंगे तो चार दिन बाद आई हो, वाई? आप अरेंज करो, कहीं से करो, चाहे प्राइवेट करो, और पेशेंट का काम तो करो ना जी। पेशेंट को क्यों चक्कर लगवाते हो? वहीं विज के जनता दरबार में जींद जिले से आई महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। महिला की शिकायत पर गृह मंत्री अनिल विज ने तुरंत ही जींद के एसपी को फोन लगाया और एसपी को लताड़ लगाते हुए मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। महिला थाने का नहीं देखना नहीं है, उससे पूछो भी क्यों इतने टैंक क्यों लगाया, क्यों नहीं कर रही है? और आपने करके मेरे को बताना है, कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ। इतने इतने महीने रहने देंगे पेंडिंग केसेस, तो कैसे चलेगी? एसपी साहब आप करिए ना कुछ इसको, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। इतने दिन से क्यों पेंडिंग है? बता दें कि अब गृह मंत्री अनिल विज हर हफ्ते में दो बार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनते हैं। बुधवार को अंबाला लोकसभा के लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और शनिवार को विज पूरे प्रदेश से आए लोगों की समस्या सुनते हैं, ताकि हर व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई कर उसका समाधान किया जा सके। लोग हैं तो उनकी मांग थी कि हमारा अलग से आप सुना कर, तो उसके लिए मैंने बुधवार का दिन रख दिया। बाकी हरियाणा के लिए शनिवार का जैसे चल रहा है शुरू से, वैसे ही चल रहा है। सर ज़्यादातर देखा गया है पुलिस विभाग की शिकायतें ज़्यादा आती हैं। मेरे पास तो आने भी वही चाहिए, बाकी भी विभागों की आती हैं, वो भी मैं सुनता हूँ, उनकी भी मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास होम डिपार्टमेंट है तो उसकी लोगों को मुझे बताते हैं कि जनता दरबार में आया जो विज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए, जहां पर विज ने लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया। वहीं कुरुक्षेत्र के सीएमओ और जींद के एसपी को फोन कर लताड़ लगाई और मामले में तुरंत कार्रवाई कर लोगों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बालिक की रिपोर्ट।